मालिक ने जो अध्यापक है उनकी बोतल से पानी पिया था, इतनी गलती थी। और वो पानी पीने का कारण भी क्या था कि जो विद्यालय के अंदर जो पानी का टैंक बना हुआ है उसमें गंदगी है और धीरे धीरे। अपना परिचय दीजिए और आज जिस प्रकार से आपको उकलाना थाने में बुलाया गया है क्या मामला? सर नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार, पार्षद वार्ड नंबर 3 नगर पालिका उकलाना से। देखिए मामला जो है ये हमारे संज्ञान में 21/8/2023 को आया था। जो मामला ये राज्य के हमारे गांव के राजकीय उच्च विद्यालय का है, रोहित पुत्र बलवान सिंह है, जिसके साथ एक हमारे वहाँ के सामाजिक टीचर हैं कुलदीप जी, कुलदीप शर्मा जी, जो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। तो रोहित जो 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है तो उसकी गलती क्या थी कि उसमें अध्यापक की जो पानी की बोतल है उससे 2 घूंट पानी पी लिया। और ये मामला जब हमारे सामने आया तो हम जो ग्रामीण है, ग्रामीण के मौजूद लोग हैं, भाई समीर इंदौरा जी, बलवीर चौहान जी हैं, और भी हमारे कई साथी, राजेश सीमार जी हैं, विश्व इंदौरा है, सुशील कंटीवाल हमारे पार्षद वार्ड नंबर 11 से हैं, और भी हमारे ग्रामीण के काफ़ी मौजूद लोग वहाँ, मतलब एक इस जो ये मामला था इसके मतलब तहकीकात के लिए हम स्कूल में पहुँचे थे, विद्यालय में पहुँचे हैं। विद्यालय के प्रिंसिपल से हमने इस बारे में जब बात की तो उन्होंने बताया कि जी ऐसा कोई मामला नहीं है कि जैसा आपको सुनने को मिला है, भी मार पिटाई हुई है बच्चे के साथ, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं कि जो ये चीज़ है। फिर हमने क्या किया कि 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जिसमें रोहित भी शामिल था, रोहित जिसके साथ ये ज्यादती हुई थी उसको भी बुलाया गया, और उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को भी वहाँ पे बुलाया गया जिनसे ये बात पूछी गई। तो उन्होंने ये सेम बयान दिया कि रोहित ने जो अध्यापक है उनकी बोतल से पानी पिया था, इतनी गलती थी। और वो पानी पीने का कारण भी क्या था कि जो विद्यालय के अंदर जो पानी का टैंक बना हुआ है उसमें गंदगी है और कीड़े पड़े हुए जी पानी के अंदर। तो रोहित वो मतलब रोहित को किसी बच्चे ने बताया कि टैंक से पानी मत पीना आप, इसमें गंदगी है और कीड़े पड़े हुए हैं। तो बच्चा वापस क्लास में आया, क्लास में उसको बोतल रखी मिली तो बोतल से उन्होंने पानी पी लिया। जब कुलदीप सर वहाँ कक्षा में पहुँचे तो उन्होंने कुलदीप जी को बताया कि सर हमने आपकी बोतल से पानी पिया है। इस पर वो पता नहीं उनकी मानसिकता कहाँ गई कहाँ नहीं गई, अब उनके दिमाग में क्या चला क्या नहीं चला, उन्होंने क्या किया बच्चे को जैसे नीचे गिर के उसकी छाती पे पाँव रखा और उसके मुँह में पानी डाल दिया। यही सेम बयान उन बच्चों के थे, उन रोहित के भी यही बयान थे और कक्षा के जो अन्य विद्यार्थी उसके भी यही बयान थे हैं। उसके बाद क्या कि जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ने बीओ साहब को विद्यालय में बुलाया इस मामले की तहकीकात के लिए, जिसमें हमारे गांव के जो प्रमुख समाज सेवी है श्री बलबीर चौहान जी और भाई समीर इंदौरा जी है, इनको उस जो उनकी कमेटी थे उसमें जिसमें अध्यापक और दो हमारे साथी और जो आरोपी अध्यापक है कुलदीप जी और बीओ साहब, हमारे बीओ साहब की जो टीम थी वो वहाँ मौजूद थी, जहाँ पे ये बयान हुए, रोहित से बयान लिए, रोहित ने ये बयान दिए। फिर जब इस मामले के बारे में कुलदीप जी से पूछा गया तो कुलदीप जी ने यही कहा, हाँ जी ये गलती मेरे से ज़रूर हुई है लेकिन मेरा एक मजाक था। और मैं मानता हूँ अगर इस तरह के मजाक आप बच्चों से करते हैं, मजाक की भी एक हद होती है, बच्चे के साथ ये सरासर ज्यादती की है कि छाती पे पाँव रखना और मुंह में पानी डालना, मैं इसको मजाक नहीं समझता, ये एक अमानवीय घटना है, शर्मसार घटना है जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सर जैसा कि आपने कहा कि सारा कारण था कि पीने के पानी में, पीने की पानी की जो टंकी थी वो साफ नहीं थी, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, क्या अभी आपने वहाँ जाकर के देखा है कि क्या अब उस टंकी की सफाई कर दी? साफ नहीं थी, जो मुख्य अध्यापक विद्यालय के उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मेरे को पता लग गया था कि इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, मैंने तुरंत जो वहाँ पे कर्मचारी है बंटी नाम का लड़का है कि मैंने उसको बोला भी इस टैंक की सफाई कर दो, तो हमने तुरंत उसकी टैंक की जो सफाई करवा दी है। लेकिन जब बाद में अब इस चीज़ को देखा गया, तहकीकात की गई तो ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई टैंक की सफाई हुई, टैंक में आज भी वही गंदगी है, आप भी जाके देख सकते हैं, हाँ वही गंदगी है यूँ की यूँ, ना उसकी सफाई हुई ना कुछ हो। तो आप मतलब पीने के पानी दोबारा से फिर दोहराई जा सकती है क्योंकि मामला सारा यहीं से उठा था? देखो घटना दोबारा से ना घटे, ऐसी अमानवीय घटना दोबारा विद्यालय के अंदर ना हो, तभी ये कदम आगे बढ़ाया हमने भी। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से इस मामले की जो है जांच हो? देखो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो हम मौके पे जो हमें सुनने को मिला, मतलब 21/8 की जो मतलब 21/8 से पहले की ये घटना है, 21/8 को हमें पता लगा मामले, इस मामले को हमने जो मौके पे तफ्तीश की है, बच्चों से जानकारी ली है, अध्यापक से जानकारी ली है, ये मामला तो है कि टीचर ने ऐसा काम किया है बच्चे के साथ। तो अब किस प्रकार की जांच है? इस पर जांच तो देखो जांच का विषय, अगर जांच के विषय की हम बात करें, हमारे बयान तो यही है कि जाती हुई है बच्चों से, बाकी जो है DSP साहब के पास ये मामला पहुँचा हुआ है, वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और हम उनसे उम्मीद रखते हैं
देखो आशा ही कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि सच को सच और झूठ को झूठ करके कि जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा से ये ऐसी अमानवीय घटना किसी भी विद्यालय में दोहराई ना जाए। ओके।